नमस्कार, मैं हूं दीपाली और अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आचार्य प्रश्न सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज के सानिध्य में चंपाबाग बगीची नई सड़क पर भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक बनाया गया। आचार्य श्री प्रश्न सागर जी महाराज एवं मुनि श्री पीयूष सागर जी के सानिध्य में आज गुरुवार को चंपाबाग बगीची नई सड़क पर भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक बनाया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि सकल जैन समाज की ओर से आचार्य श्री प्रश्न सागर जी महाराज को आत्म हिंदकर उपाधि से समाज के वीरेंद्र गंगवाल, कमल बाकली वाल, प्रशांत गंगवाल, विकास गंगवाल, प्रियांक सोनी, बालचंद्र जैन, निर्मल पाटनी, विनोद पाटनी, विनय कासलीवाल, धर्म बरैया आदि सकल जैन समाज की ओर से अलंकृत किया एवं सकल जैन समाज ने भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याणक पर भक्ति भाव के साथ मां और समर्पित किए एवं गंगवाल परिवार की ओर से निर्वाण लाड़ू चढ़ाया गया। चौथा कारण योग से मुक्ति, मन वचन काय तीनों से मुक्ति। ठहर स्टॉप हो गए, अब कोई भी चीज परेशान करने वाली नहीं है। यही है भगवान आदिनाथ का कल्याण, मोक्ष कल्याण मनाने का हेतु तो ही यही है। हम अपने वाणी, हम अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, कहीं ऐसा तो हो आओ अपने को स्वयं को नियंत्रित करें, दूसरों को नहीं। जब गुरुदेव आचार्य विद्या सागर जी महाराज के नहीं, साथ ही सकल श्रावक जगत के इस लोक से परलोक तक के पथ प्रदर्शक, रत्नत्रय के संवाहक, प्रज्ञापुंज आगम के तल स्पर्शी ज्ञाता, भेद विज्ञानी, आत्मानुरागी, स्व पर कल्याणी, वर्ग रही संत के पावन युग चरणों में शुद्ध भक्ति, पंचगुरु भक्ति की आराधना के साथ त्रिकाल नमोस्तु करते हुए आपको आत्महितंकर से सम्मानित कर अपने आप को गौरवान्वित कर रही है। हे आचार्य प्रवर, तेरे चरणों में अर्पित है ये श्रद्धा के अक्षत चंदन, तेरे चरणों में। ग्वालियर में एंटी माफिया मुहिम के तहत खनन माफिया के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्वालियर कलेक्टर द्वारा 16 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। के तहत बिलौआ थाना क्षेत्र में माफिया के रूप में सक्रिय काले पत्थर की खदान चलाने वाले लक्ष्मण चौरसिया के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि लक्ष्मण चौरसिया ओम स्टोर प्रशन के संचालक है और उन्होंने अपनी लीज की खदान के अलावा सरकारी जमीन से काला पत्थर का भारी मात्रा में दोहन किया, जिसकी जाँच माइनिंग ऑफिसर ग्वालियर से करवाई गई थी और माइनिंग ऑफिसर की रिपोर्ट के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके तहत खनन माफिया लक्ष्मण चौरसिया पर 16 करोड़ 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई के जिला प्रशासन ने बिलौआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चल रही सैकड़ों खदानों में हो रहे अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। एक व्यक्ति ने अवैध उत्खनन कर रहा था शासकीय नंबर पे, और इस प्रकार का अवैध उत्खनन करने पे उनकी शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच कराई गई, शिकायत पे दोष सिद्ध हुआ, उस पर FIR और उस पर 16.5 करोड़ रुपए की सरकारी जो उनका संपदा थी उसका उन्होंने दोहन किया, उस 16.5 करोड़ रुपए का उन पर फाइन लगाया गया है और उनके विरुद्ध में गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, ये इंडिविजुअल है और आगे आप आने वाले दिनों में और कार्रवाइयाँ बिलौआ में देखेंगे। निजी अस्पताल में कंपाउंडर जोगेंद्र पाल सिंह तोमर की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। जोगेंद्र की मौत पर परिजनों को संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी गई। थाना इंद्रगंज पुलिस ने मृतक जोगेंद्र के परिजनों का शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। सिंह पवैया, क्या घटना हुई है, कौन लगते हैं जी? हमारे भतीजे लगते हैं। क्या नाम इनका? जोगेंद्र पाल सिंह तोमर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये न्यू बेगनगर मेला ग्राउंड संस्कृति गार्डन के सामने है। ये घर से 10 बजे निकले थे, ठीक है, रात को 10 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि वो तुम्हारे सीरियस हैं, तो घर पे कोई था नहीं, इनकी माँ थी वृद्ध और लड़के थे, तो वो लोग नर्सिंग होम आए तो सीरियस हालत में थे। फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने चाचा को फ़ोन किया सुबह, तो चाचा दूसरे दिन गांव से आए 11 बजे, उन्होंने आके देखा तो वही अनाचित वही स्थिति शाम के टाइम पर।
खत्म हो गए। उनने की कहाँ ले जाए, सीमेंट ले आओ, सीमेंट ले आए, डॉक्टर ने मना कर दिया, कुछ नहीं है। फिर बड़े कैसे क्या मोटिव है पता नहीं, ईश्वर ही जाने, कुछ संदिग्ध है, इसलिए हमने पीएम करवाया है। पीएम करवाया आपने, इसलिए क्या पोजीशन था कि इनको कुछ दे दिया गया? कुछ देने की शंका लग रही है किसी ने। शादीशुदा है, वाइफ एक्सपायर हो चुकी है, टाइम हो गया। क्या करते हैं ये? कंप्यूटर का काम करते हैं। सुंदरगंज, क्या पूरा मामला है? हमारा हॉस्पिटल में कंप्यूटर भर्ती हुआ था, उसके इलाज के दौरान खत्म हो गया। क्या 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 नाम है इसका? योगेंद्र सिंह। कितनी उम्र? उम्र हो गई है 45 के लिए होगी। घर वालों का क्या कहना है? इलाज के दौरान हो सकता है, मैंने कोई पेट में दर्द हुआ था, कुछ हो सकता है, पॉइजन हो सकता है, या फिर हम इसलिए पीएम करा रहे हैं। हाँ, और कहाँ से रहने वाला है? कहाँ से रहने वाला है ये? यहाँ पे हाटीपुर के पास है। क्या करते थे ये? कंपाउंडर थे। कंपाउंडर प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ हाँ, ये जाते थे कम हॉस्पिटलों में। मामला संदिग्ध है। हाँ, इसलिए घर वालों को कुछ बताया? घर वालों ने कुछ ऐसा कुछ कहा? कुछ नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं पड़ा। वो तो आए, उनको व्यवस्था तो मिले थे ना, घर पर के हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में खड़े जाके यहाँ पे। ग्वालियर के हजीरा थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाश रामू तोमर को मुरैना जिले के रूअर गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश रामू तोमर के पास से वो पिस्तौल भी बरामद की है जिससे उसने 19 तारीख को अंबा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। कि हजीरा थाना पुलिस ने टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाश रामू तोमर को मुरैना जिले के रूअर गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश रामू तोमर के पास से वो पिस्तौल भी बरामद की है जिसमें उसने 19 तारीख को अंबा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। आपको बता दें कि इससे पहले मुरैना जिले के अंबा में पुलिस ने रामू के साथी गब्बर को शॉट एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया था, लेकिन बदमाश रामू तोमर उस वक्त मौके का फायदा उठाकर भाग निकला था। लिहाजा पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि बदमाश रामू तोमर पुलिस के शॉट एनकाउंटर में गिरफ्तार हुए अपने साथी गब्बर का हालचाल जानने के लिए जयरोग अस्पताल पहुंचने में फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी बदमाश की घेराबंदी कर उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश रामू तोमर बीजेपी नेता पंकज सिकरवार हत्याकांड में भी आरोपी था। इससे पंकज सिकरवार हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर परमाल तोमर की मदद भी की थी। ये आज पुलिस टीम को सफलता मिली है रामू तोमर को गिरफ्तार करने में। ये ग्राम रूहर अंबा का रहने वाला है और पंकज सिकरवार मर्डर का आरोपी है। इसको दिनांक 19 को अभी इसी महीने पुलिस पार्टी जब अंबा इसकी तलाश में गई थी तो इसने और इसके साथी गब्बर ने पुलिस पे फायरिंग की थी, और जिसमें आत्मरक्षा में जब पुलिस ने गोली चलाई तो गब्बर को गोली लगी थी। उस प्रकरण में भी ये अंबा थाने में फरार है और वांछित अपराधी है। इसकी आज सुबह मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी की गई है, और अंबा में पुलिस पार्टी पे जिस पिस्टल से फायर किए थे वो पिस्टल भी बरामद करने में सफलता मिली है। एक पिस्टल मिली है 0.32 बोर की और 3 कारतूस जिंदा राउंड इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। ये मूल रूप से तो हमें इसकी पंकज सिकरवार मर्डर में तलाश थी, इसके अलावा इस पे अंबा और पोरसा के थाना क्षेत्रों में इस पे विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं जिनका रिकॉर्ड लिया जा रहा है। और ये मूल रूप से पंकज परमाल तोमर जो मुख्य आरोपी है पंकज सिकरवार मर्डर का, उसका बहुत क्लोज ये हार्बरर रहा है, मददगार रहा है। शासकीय कार्य के लिए रिश्वत मांगने वाले भोड़ापुर थाने में पदस्थ आरक्षक बजरंग सिंह और प्रशांत सिंह को रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल होने पर ग्वालियर एसपी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले में भोड़ापुर थाना प्रभारी रघुवीर सिंह तोमर को भी लाइन अटैच किया गया है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान ग्वालियर में आरटीओ और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों ने 100 से अधिक वाहनों के खिलाफ प्रकरण बनाया। गुरुवार को पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों आरटीओ रिंकू शर्मा के नेतृत्व में शहर के फूलबाग चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 100 से अधिक ऐसे वाहन पर कार्रवाई की गई जो मापदंडों के अनुरूप पॉल्यूशन फैला रहे थे। कार्रवाई के दौरान ग्वालियर में आरटीओ और पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों ने 100 से अधिक वाहनों के खिलाफ प्रकरण बनाए। गुरुवार को पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों ने एआरटीओ रिंकू शर्मा के नेतृत्व में शहर के फूलबाग चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान 100 से अधिक ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की गई जो मापदंडों के अनुरूप पॉल्यूशन फैला रहे थे। आरटीओ के अधिकारी पूर्व में ऐसे वाहन चालकों को समझाइश दे चुके हैं जो अपने वाहनों की फिटनेस चेक एक लंबे समय से नहीं करा रहे थे। गुरुवार को जिन वाहनों को चेक किया गया और चेकिंग के दौरान अनफिट पाए गए, अब ऐसे वाहनों के खिलाफ विभाग स्तर पर आरटीओ विभाग कार्रवाई करने जा रहा है।
आज परिवहन विभाग, पुलिस और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट तीनों की तरफ स्थगन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे व्हीकल जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं सिटी में, उनके मतलब पॉल्यूशन चेक किए जा रहे हैं और उनकी फिटनेस रेस्ट की जा रही है। अभी तक 10-12 व्हीकल्स की मतलब चेक तो 100 के आसपास हो चुके हैं, लेकिन 10-12 व्हीकल की फिटनेस टेस्ट की आ चुकी है। और इसके साथ ही जो ऐसे टेम्पो जिनमें व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है, उनके परमिट, उनके कागज लिए जा रहे हैं, उनके परमिट टेस्ट किए जा रहे हैं। चालानी कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो रही है, उनको सबको बुलाया जा रहा है उधर, उनको बुलाया कि आप लगवा के लाएँ व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगा के, नहीं तो उनके परमिट निरस्त हैं। कई टेम्पो ऐसे रहते हैं रूट अटके और दूसरी रूट पे टेम्पो चलाते हैं, उनको किस तरह का? नहीं, हम जैसे जो व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस लगाने वाले जो डीलर हैं, उनसे उनकी ट्रैकिंग करा रहे हैं और उनकी मंथली रिपोर्ट ले रहे हैं। ये टेम्पो जब भी हमारे पास आएंगे तो इन पर कार्रवाई की जाएगी, पेनल्टी की। बामोर में ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल प्रांगण में अशासकीय विद्यालय संचालक संघ द्वारा 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रस्सी कूद, ड्राइंग, फॉरगेंस आदि खेलों में भाग लिया, जिनमें मुरैना अशासकीय विद्यालय संचालक अध्यक्ष मोहन बंसल द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम के समापन के दौरान मुख्य अतिथि मोहन बंसल द्वारा माँ सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मनोज बंसल ने आपने बताया कि संगठन की ही हमारी सबसे बड़ी सकती है, हमें भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार के नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। दूसरे जिला मुरैना की कार्यकारिणी में जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी, अब अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय श्री राकेश शर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वाइस हमारे ब्लॉक उपाध्यक्ष श्री नसीम सर, बानमोर पब्लिक स्कूल, आप हमारे ब्लॉक अध्यक्ष श्री सीताराम, शासकीय विद्यालय के टीचरों द्वारा बच्चों के खेलकूद प्रोग्राम कराए गए और ये कार्यक्रम 2 दिवसीय चला, आज इसका समापन था। आइए मैं आपको खबर प्रशिक्षण का शिविर जरूर कराता हूँ, इस प्रोग्राम में क्या क्या हुआ और कौन कौन पार्टी हुआ। सर आज कार्यक्रम हुआ, समापन भी आज है, तो क्या कार्यक्रम हुआ? हमारे यहाँ थर्ड और सेकंड क्लास के लिए, सेकंड थर्ड क्लास के लिए प्रोग्रेस थी जी। उससे बड़े बच्चों के लिए स्किपिंग का कार्यक्रम था, कैरम का कार्यक्रम था, और चूंकि आजकल पोल्यूशन बढ़ रहा है तो स्लोगन था कटते पेड़ बढ़ता धुआं, इस पर ड्राइंग थी, बच्चों ने बहुत अच्छी से उकेरी थी। इस कार्यक्रम कितने दिन चला आपका? ये 2 दिन रहा ये कार्यक्रम, आज समापन था, आज इसका समापन था। जिले से हमारे सम्मानीय मोहन बंसल जी पधारे थे जी, श्री वहाँ के सदस्य श्री तोमर जी और राजपूत जी, हमारे वरिष्ठ संरक्षक राकेश शर्मा जी। इस प्रतियोगिता में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट हुए? इसमें क्या है, सेकंड क्लास से लेके मिडिल स्कूल तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, गर्ल्स बॉयज दोनों ने, और काफ़ी बच्चों ने उत्साह से भाग लिया इसमें, और 2 दिन से चल रहा था, लगभग 20 स्कूलों ने भाग लिया इसमें। 20 स्कूल में आप शामिल थे जी, जो पार्टिसिपेट सभी ने किया, सभी ने पार्टिसिपेट किया है। हमारा अशासकीय स्कूल संचालक संघ ब्लॉक बामोर इसके लिए वास्तव में बधाई का पात्र है। मैं खेल समिति में सदस्य होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव सचिन द्विवेदी की गिरफ्तारी के बाद यूथ कांग्रेस संवादल की जिला इकाई में आक्रोश है। इसी को लेकर गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कुलपति संगीता शुक्ला का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आए 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 आए
आजादी ये पुतला जो दहन हुआ है वो शिवाजी विश्वविद्यालय की दमनकारी नीतियों के कारण किया गया है। और जो छात्र नेता हमारे हैं सचिन द्विवेदी जी NSCI प्रदेश महासचिव, उनको एक आंदोलन में जब वो आंदोलन के लिए गए चर्चा कर रहे थे उसी समय उनका एक पुराना केस इश्यूज बनाकर उनको आंदोलन जगह से उठाया गया है, जो कि अनुचित और अन्याय को दर्शाता है और ये कहीं ना कहीं काला कानून भी दर्शाता है। क्योंकि कुलपति मैडम के भाई जो है वो CBI चीफ है, निश्चित ही हमारे मध्य प्रदेश सरकार में रहकर पुलिस प्रशासन उनके दबाव में कार्य कर रही है। और हमने हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी थे उनको सारी जानकारी दे दी है और उन्होंने पूर्ण आश्वासन ये दिया है, हम पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर जो CBI अपराधी मुझे जानकारी है, लेकिन जो उस पर 110 की कार्रवाई हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने आंदोलन किए हैं, उस आंदोलन को रंजसन BJP नेताओं ने, छात्र नेताओं ने झूठे उस पर मुकदमे कराए हैं, उस वजह से उसका एक रिकॉर्ड बना जिसके कारण आज इन्होंने 110 लगाकर उसे अंदर किया। सरकार हमारी, हम कह रहे हैं सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं, सरकार हमारी है, पर हमारी सरकार सहयोग कर रही है, पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो कुलपति मैडम के जो भाई हैं CBI चीफ, बार बार हम आपको एक बात बोल रहे हैं, उनके दबाव में कहीं ना कहीं अधिकारी स्टाफ के होने के कारण उनके दबाव में काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार का आदेश भी वो अवहेलना कर रहे हैं और उसकी भी जानकारी हमने अपने सरकार के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं मंत्री हैं उनको जानकारी दे दी है। हमें उम्मीद है आगे उनसे, हमारी ओर से उनका प्रयास रहेगा और हमारे भाई मित्र सचिन द्विवेदी को वार किया जाएगा। हमें अपनी सरकार पर पूर्ण भरोसा है और रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह तोमर है और मैं वर्तमान में यूथ ग्वालियर ग्रामीण सेवा दल का जिलाध्यक्ष हूँ। और हमें हमारी सरकार से कोई शिकवा नहीं है, पर अन्याय अत्याचार होगा चाहे छात्रों पे हो चाहे जनता के साथ हो, हम बराबर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सारे सिपाही छात्र नेता सब सड़क पर आकर ऐसे ही आंदोलन करेंगे। जय हिंद जय भारत। पुलिस कर्मचारियों का ज्यादा बिल आने पर बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों को मुरैना कोतवाल कौशल सिंह भदौरिया ने कोतवाली में तलब किया, तो बिजली वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक राजेश सिंह भदौरिया एक जूनियर इंजीनियर के साथ थाना कोतवाली पहुंचे। कोतवाली TI ने उनके समक्ष एक बिल सामने रखा, यह बिल गलत आया है, इसका निराकरण नहीं हुआ है। देख लो, कुछ पुलिस कर्मचारियों के अन्य लोगों के अनियमित बिल आ रहे थे, किसी के 1.5 लाख, किसी के 2,000, किसी के 50,000। उस संबंध में उनको चर्चा की गई थी कि भाई इनको सुचारू रूप से इनका करेक्शन किया जाए और जो त्रुटि है उसको दूर किया जाए। थाने गए, थाने पर TI साहब हमको मिले, उनने कहा बिल की कोई समस्या है, तो हमने कहा बिल बताओ उनको, कोई जो समस्या देख के बता पाएंगे, ऐसे तो हम बता नहीं सकते। उनने एक आध घंटे हम बैठे रहे, बैठो तो आध घंटे बाद एक बिल आया तो मैंने देख के बताया, मैंने तुरंत बता दिया, मुझे सुधार हो गया 1.5-2 महीने पहले। तो उनने कहा ठीक है, उसको बिल भी मिल गया। 10 मिनट बाद उसने बिल ले आया जाके ऑफिस से, ऑफिस से पंचायती धर्मशाला में उनका कनेक्शन। फिर उनने कहीं और भी बिल है, तो मैंने कहा एक और बिल फिर बैठा लिया। उनने कही कि तुम यहीं बैठो, जब और बिल मंगवा रहा हूँ वो सुधार हो जाएंगे तब जाना। तो बैठ गया मैं, ठीक है बैठ गया। बैठ के फिर एक बिल और लाए आधे घंटे, जब वहाँ पर जो स्टाफ था उसको बोल दिया कि इनको जब बैठे रहने देना, जो जाए नहीं पाए, यदि जाएँ तो जाने मत देना जब तक मैं नहीं कहूँ। और मेरे को उधर अंदर बैठा दिया। बैठाने के बाद 1 घंटे बाद एक बिल आया,
कर्मचारी 1,47,000 रुपये करीबन बकाया था। बिल मेरे को दिखाया तो मैंने कहा ये तो बिल रीडिंग का है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, पुराना बिल देख लेंगे, जो भी हेल्प होगी कर देंगे, ऑफिस से देख के बता पाए क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस में रहता है। तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं, बिल जब तक नहीं सुधार के आएगा तब तक इन्हें मत जाने, तो बैठो आप थाने। सो हमको बैठा ले रहे हो करीबन 2:15 बजे। 2:15 बजे एक उन्होंने लेटर बनाया, एक आवेदन लिया एक कर्मचारी से, वही 1,47,000 वाले आवेदन लेकर के मुझको बोला कि ये नोटिस ले लीजिए आप आज की तारीख में, और इस पर कब तक आप लिख दोगे, तो उन्होंने 28 तक कर देंगे, तो 28 तारीख डाल ली। तो मैंने उस नोटिस पे लिखा आवेदन, और जो मेरे को दे रहे थे मैंने नोटिस पे लिखा प्राप्ति करवा रहे थे मेरे से कि प्राप्ति करके जाओ, तो मैंने उस पर लिखा मेरे को 2 घंटे बैठा ले रहे थे, और 2 घंटे बैठा लेने के बाद मुझको ये कहा इन्होंने कि इसके नोटिस की प्राप्ति ले लो, तो मैंने लिखा इसमें कि 2 घंटे बैठा ले रहे, उसके बाद ये नोटिस दिया मुझे और मेरे को प्राप्ति के लिए कहा, तो मैंने प्राप्ति इस पर दे दी। बस जी उनने देखा टी आई साहब ने लिखा होगा, जैसे वो भड़क गए उनने कही तुम मेरे हल्के में ले रहे हो और मेरे से कागज़ सब छिना। तो फिर मैं थाने में 10-15 मिनट और बैठा रहा, फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि आप लोग जाओ। मेरे साथ निखिल शर्मा जी थे, उनको भी बैठा रखा था जो कनिष्ठ थे। ये घटना हुई, फिर मैं आकर के अपने अधिकारियों को मैंने भी जानकारी इसकी लिखित में मैंने शिकायत की है अधिकारियों को, अपने उच्च अधिकारी कलेक्टर साहब को भी किए, एसपी साहब को भी, फिर मेरे साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। जबकि मेरे भी ये अब तक की कुछ खास खबरें, अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक लिए नमस्कार।